पहले बोले ना नरेंद्र मोदी जे सिलेंडर फ्री में रहेगा, जब फ्री में हुआ गरीब सके महिला को जो लकड़ी चुन के खाना बनाती थी वो उन लोग के सिलेंडर दिया, ओकरे बाद सिलेंडर को दाम बढ़ा दिया। क्या मोदी जी के दिमाग होश में है, बेहोश है? चूड़ी गिफ्ट कर रहे हैं मोदी जी को, चूड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, परिवार को उन्होंने छोड़ दिया। चूड़ी का अहमियत नहीं जानते कि महिला घर में चूड़ी पाट के खाना बनाती है, खाना स्वादिष्ट बनता है, गैस महंगा कर गिफ्ट कर रहे हैं हम लोग महिला को। वो इस काम को अंजाम दें, वरना यूँ समझे कि सरकार का ये काम है बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले। अरे अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना, ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। जनता अब जाग चुकी है, कम से कम अब तो होश में आ जाएं। अरे तालों में बंद आप अमानत न कीजिए, पब्लिक का माल है ये खयानत न कीजिए, पीएम है आप देश के पीएम बने रहें, हजाम बन के सबकी हजामत न कीजिए। रसोई गैस घर के जो सिलेंडर है, रसोई जो है, ये हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम क्या दिखाएं और गैस सिलेंडर और रसोई को दिखाएं कि कैसे महिला एडजस्ट करती हैं। तो इसलिए मोदी जी से ये कहना है, नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे। उसके मतलब कि हम लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा आम लोग, क्योंकि हम लोग फौज से बिलोंग हैं तो आप समझ ही सकते हैं फौजियों लोगों का एक सीमित पेमेंट होता है, तो हम लोग सोच समझ के ही घर चलाते हैं। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं आम जनता कैसे गाड़ी पे चढ़ेगी, आम महिलाएं घर कैसे चलाएगी। जितना महंगाई हो गया है, शुरू में तो कहा जब नरेंद्र मोदी की मुफ्त में हम सिलेंडर बांट रहे हैं, आज है 1000 रुपये सिलेंडर गैस हो गया है। आज हमारी महिलाएं दम घुट रही है कि अब हम सिलेंडर लेकर करें क्या। पहले बोले ना नरेंद्र मोदी जे सिलेंडर फ्री में रहेगा, जब फ्री में हुआ गरीब सके महिला को जो लकड़ी चुन के खाना बनाती थी वो उन लोग के सिलेंडर दिया, ओकरे बाद सिलेंडर को दाम बढ़ा दिया। क्या मोदी जी के दिमाग होश में है, बेहोश है? गरीब को नोच नोच के खा गया, अमीर के सरकार है, पैसा वाला के सरकार है, और गरीब को लूटेरा है। मोदी जैसा निकामा सरकार ना कभी होगा, ना आएगा, ना रहेगा। नरेंद्र मोदी कभी छोड़ो। पेट्रोल के दाम बढ़ाया, डीजल को दाम बढ़ाया, सिलेंडर बटवा दिया, सिलेंडर को महंगाई कर दिया, गरीब के लिए, गरीब के लिए क्या, गरीब के लिए है? गरीब के लिए ना है, गरीब के सरकार ना है, ये अमीर के सरकार है, पैसा वाला के सरकार है, पूंजीपति वाला के सरकार है। बंद करो, वापस लो। कहना यही है कि आप सारी जनता इससे परेशान है, सारी जनता को परेशानी है। रसोई गैस घर के जो सिलेंडर है, रसोई जो है, ये हम महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ बैठी है? आज चूड़ी क्यों नहीं भेज रही है मोदी जी को? आज वो चूड़ी भेजे, नहीं चूड़ी है तो हम लोग भेजते हैं मोदी जी को चूड़ी, चूड़ी के साथ में लिपस्टिक भेजते हैं, बिंदी भेजते हैं। आज मोदी जी लगाएं, लगा करके वो महिला बन के दिखाएं और गैस सिलेंडर और रसोई को दिखाएं कि कैसे महिला एडजस्ट करती हैं। तो इसलिए मोदी जी से ये कहना है, नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे। तो जिस तरह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ये लोग और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप इसके खिलाफ हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि एक महीना के अंदर दो दो बार पेट्रोल डीजल के दाम, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसके खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ, क्योंकि देख ही रहे हैं कि डीजल कितनी महंगा होते जा रही है, उसके मतलब कि हम लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा आम लोग, क्योंकि हम लोग फौज से बिलोंग हैं तो आप समझ ही सकते हैं फौजियों लोगों का एक सीमित पेमेंट होता है, तो हम लोग सोच समझ के ही घर चलाते हैं। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं आम जनता कैसे गाड़ी पे चढ़ेगी, आम महिलाएं घर कैसे चलाएगी। आज ये आक्रोश मार्च अभी आज हम लोग का शुरुआत है, यदि हमारी मांगों को नहीं रखा जाता है तो हमारी आक्रोश मार्च और बड़े पैमाने पर होगी, सभी जगह जिलों वाई हम लोग ये करने का कोशिश करेंगे। अभी ये पटना के मेन चौराहे पे आज हम लोग पूरे दल बल के साथ में अपना रखे हैं यहाँ पे आक्रोश मार्च। मैडम क्या लगता है, मैडम क्यों आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं कि
वापस लेंगे, डीजल का और पेट्रोल का दाम वापस लेंगे, और गैस का भी बढ़ोतरी हुआ है उसमें भी नरेंद्र मोदी का मतलब वापस लेंगे, और महिलाओं का विरुद्ध है वो, इसलिए अपना गैस का दाम बढ़ा दिए हैं। कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई, खासकर हमारी महिलाएं को, जो जितना महंगाई हो गया है। शुरू में तो कहा जब नरेंद्र मोदी की मुफ्त में हम के सिलेंडर बांट रहे हैं, आज है 1000 रुपये सिलेंडर गैस हो गया है। आज हमारी महिलाएं दम घुट रही है कि अब हम सिलेंडर लेकर करें क्या। कुछ कुछ तो महिलाएं बेच रही है कि सिलेंडर को बेच तो रखकर क्या करेंगे। सबसे बड़ा ये वापस ले ले नरेंद्र मोदी, इस चीज़ को वापस ले ले। नीतीश कुमार बोले कि हम अगर कम जाए तो अच्छा होगा, तो अगर उनका सरकार चलाना है तो वो तुरंत वापस करे, महंगाई को वापस करे। क्या लगता है आपको? एकदम भुगतेंगे, ये एक जुमलाबाजी था कि हम उज्ज्वला गैस दे रहे हैं और फ्री में गैस बांट रहे हैं, फ्री में गैस बांटते हैं। इतना महंगाई बढ़ गया है कि आज गांव का शहर शहर हर महिला इतना रो रही है। आज घर चलाने के लिए हम महिलाएं घर चलाते हैं, हम लोग से पूछा जाए कि हम लोग कैसे घर चला रहे हैं, कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। इस बात का नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए कि एक आज गरीब गुड़वा को घर को कैसे चला रहा है वो महिला लोग जानती है। आज पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए हैं, कैसे लोग चलेगा रोड पर, दिन प्रतिदिन ये पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम, हर चीज़, हर स्टूडेंट लोग को मारा जा रहा है, हर महिला इसमें त्रस्त हो रही है, हर एक इंसान इसमें त्रस्त हो रहा है। इनको ये चीज़ वापस लेना होगा, इसका कम करें इसको। इस पे यही कहना चाहते हैं, पेपर में तो अभी हर चीज़ मोदी जी दिखाते हैं कि हमने गरीबों के साथ इतना मदद किया है, लेकिन हकीकत में गरीब के घर में जाके देखिए, सिलेंडर छज्जी पर फेंक दिया गया है, जो मतलब कि कहा जाता है करकट पे नहीं तो उसको बाहर फेंक दे, क्योंकि उसको भरने के लिए उनके पास में पैसा नहीं है उतना। जो कोरोना काल में भी देखे, जो सब कुछ घोटाला किया गया, पदाधिकारी चूड़ी गिफ्ट कर रहे हैं मोदी जी को, चूड़ी देखते कैसे उनके परिवार को उन्होंने छोड़ दिया। चूड़ी का अहमियत नहीं जानते कि महिला घर में चूड़ी पहन के खाना बनाती है, खाना स्वादिष्ट बनता है, गैस महंगा कर गिफ्ट कर रहे हैं हम लोग महिला। आज तक योजना कभी भी नहीं आया, जमीनी स्तर पर कभी भी नहीं आया, गरीबों को कोई भी योजना नहीं मिल पाया। जा कर के सर्वे करके दिखा जाए कि घर में उज्ज्वला गैस किसी को नहीं भी मिला। और एक ही सप में खड़े हो गए पेट्रोलो प्यास, एक कुछ दिन में पेट्रोल के बराबर चली जाएगी, कि एक ही सप में खड़े हो गए पेट्रोलो प्यास, न कोई धंधा रहा न ढंग का विकास। अरे कोई उस 14 फरवरी दो दिन गुजरा तो मैंने कहा है कि कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया, कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया, मैं नौजवान मौलवी बहुत होशियार था, 2 किलो प्याज ले गया। तो आप यकीन मानिए कि महंगाई बहुत है, उस पर कंट्रोल केंद्र सरकार को करने की जरूरत